साथ हैं हबीबुर रहमान भाई, आपको दिखा देता हूँ। हबीबुर रहमान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह करम है। आप सुनाओ, कैसे? ठीक ठाक हूँ जी, मैं ठीक ठाक। अच्छा व्यूवर्स, ये हमें आज हबीबुर रहमान भाई बता रहे हैं कि शहद जो है वो कैसे तैयार होता है, तो क्या ख्याल है हबीबुर रहमान भाई आपका? मेरा ख्याल है, आओ ना हमारा साथ, मैं तुमको पेटी दिखाता हूँ, सारे सिस्टम सारे सामान मैं तुमको दिखाता हूँ, तुम देखो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जी हबीबुर रहमान भाई, ये जो मैंने ऊपर रखा है ना, इसका ये सामान जो मैं इसको ऊपर रखने, इसको सर्दी लगता है आपको, इसलिए मैं तुमको पेटी दिखाता हूँ, मक्खी भी दिखाता हूँ, मक्खी है। ये व्यूअर्स आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये प्रेम जो है ना इससे शेड बनते है। देखना यार, लड़ना जाए नहीं, एक मिनट माइक मुझे पकड़ा दे। अच्छा चलो बस, ठीक है ठीक है। ये देखो शेड का सीजन खत्म हो गया, एक मिनट मैं आप लोगों को व्यूअर्स करीब से दिखा देता हूँ। आप उठाएं उसको, देखना मुझे लड़ना जाए। वैसे तो व्यूअर्स मैंने सेफ्टी की हुई है, मास्क पहना हुआ है। जब सीजन खत्म हो गया इसकी, फिर शरबत डालना है आप लोग को। क्या अभी मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना इसका शहद इधर डालना है। ये देखे खानी, छोटा छोटा खानी में नज़र में आने, इसका शहद डालना है। ऊपर शहद है और नीचे जो है इधर फिर बच्चा बनना है। जब बच्चा बनोगे वो निकलते हैं, वो बड़ा हो जाते हैं, वो पेटी से निकल हो जाते हैं। फिर इसको मैं और पेटी लेने, नए पेटी, फिर वो दूसरा मक्की में डाल, पेटी में डालने। ये देखे शेद जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो बंद है, ये देखे ये बंद है, ये सिल्क है आपके लिए। अभी मैं और दिखाता हूँ, इसका बच्चा जो है ना, इसके बच्चे किधर होंगे? इसका बच्चा ये है, ये देखे हाँ बंद है ना, इसका बच्चा है। देखना ये उड़ भी रही है, देखना मुझे लड़ना चाहिए, असल में डर लगता है। नहीं कुछ नहीं होते, नहीं लड़ते। देख ये ऊपर जो है ये शेड है, देख हाँ। नजर में आने, ये शेड है, ये जो है ये बच्चा है। ठीक हो गया, ये बड़ा हो जाते ठीक है। इसको बंद करके कोई और खोल के चेक करते हैं, इसको बंद कर दें, खोल के कोई और चेक करते हैं। ठीक है, इसको बंद करके ना कोई और देखते हैं, कोई और पेटी चेक करें, इसको बंद कर दीजिएगा। व्यूअर्स अभी मैं इनसे एक और पेटी भी खुलवा के तो उसको भी चेक करते हैं। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, शायद हम सबको खाने में बहुत ही ज्यादा मजा देता है। और व्यूअर यहाँ पे खालिस शायद मक्खियों से निकलता है। ये हमारे हबीबुर रहमान भाई थे जो आप लोगों को बता रहे थे, अभी मैं इनसे एक और पेटी खुलवा के तो चेक करते हैं हम आगे भी। अच्छा ये जो इन्होंने ऊपर चादरें रखी होती हैं, ये ताकि मक्खियों को सर्दी ना लगे, उसकी वजह से ये इनको सही तरीके से ढांप के रखा जाता है। और क्योंकि अभी शायद का सीजन स्टार्ट हो रहा है तो उस वजह से फिर मक्खियों को सर्दी भी ना लगे। और ये देखें अभी तक शायद ये अभी नया नया बना रही हैं, ये उन्होंने एक और छत्ता खोला है। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखना मक्खियां उड़ रही हैं, ऐसा ना कोई हाथ पे ना लड़ जाए। ये देखे इसका बच्चा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे अभी सामने कीजिएगा इसको। जी जी, ये जो है ना ये मक्खी का बच्चा है, अभी तो ये बंद है, ये फिर पका हो जाते है, ऐसे निकल हो जाते है, जो ये है ऐसा निकल हो जाते है, ये जो बंद है इसी ऊपर ये जो है ना ये डाले है, ये फिर ये मक्खी काटते है। जब सीजन होते है ना, ये जो प्रेम भी है
ये भी रखने इधर रखने है। और अच्छा इस पूरे फ्रेम की कीमत कितनी होगी? इसका फ्रेम जो एक फ्रेम में जो बनता है इसका तकरीबन 200 रुपए ये सारी फ्रेम बन हो जाते हैं। ठीक है। नहीं इसके अंदर जो शहद है सारा शहद एक इन सारे फ्रेमों में कितने का? इसका एक इस एक जुबर ने इसका तकरीबन 5 किलो भी इसकी डालने 5 किलो एक में से एक 5 किलो 3 किलो ये सब शहद निकलता है उनसे शहद निकल एक छत्ते में से है यानी एक छत्ते में से 5 किलो शहद निकल आता है। ठीक हो गया। तो आपने ये कितनी पेटी रखी हुई है टोटल? टोटल इधर 130 है। ये सारी 130 पेटियां पड़ी हुई हैं? 130 पेटी है। ठीक। जी हाँ व्यूअर्स, तो आप लोगों ने देखा कि शायद कैसे बनता है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये देखा इसका गेट है, ये जो है ये गेट है, ये जो कि इसको मैं रात को लोड करवाते हैं इसको पेरे से बंद करते हैं। ये देखे ये बंद हो गया, ये जो पेर उतारने ये पेरे इसको ये दोनों ऐसा खुला करने ये दोनों जो है ये ऐसा पेर खुला करने। अच्छा ये जो दिखा रहे थे वो गेट है रात को ताकि मक्खियों को सर्दी ना लगे तो उस वजह से ही उनका गेट जो है वो बंद कर देते हैं। और ये मैं आप लोगों को कुछ व्यू दे रहा हूँ पेटियों का भी जो शहद की पड़ी हुई है क्योंकि अभी व्यू तैयार नहीं हुआ।